हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो OSSSC MPHW फीमेल ANM पे जो आप क्लास चली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आज टॉपिक रोच क्लास 4 आउ जो मैंने देखी ना क्लास 3 क्लास 2 क्लास 1 से मैंने हम चैनल मध्यम चेकआउट करेंगे। तो क्लास 4 आज आम करवा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्लास लास्ट क्लास ये आप आज क्वेश्चन डिस्कशन करवा आ किछि मात्रा आपण माने हल्का प्रिपरेशन करंतु। तो क्वेश्चन नंबर 1 आरंभ करबा। एंटेरियर फ्रंटाली यूजुअली क्लोज बाय द मंथ ऑफ आपण मानकर काली जो डिस्कशन करथली पोस्टेरियर फ्रंटाली विषय सेटा आपण को आंसर होला 6 वीक थला आपण को। एंटेरियर फ्रंटाली यूजुअली क्लोज बाय द मंथ ऑफ 8 मंथ 16 मंथ 3 इयर्स 30 इयर्स। तो करेक्ट आंसर आपण मानो हे ऑप्शन नंबर ए 8 मंथ 18 मंथ आपण को अपना हे जो एंटेरियर फ्रंटल यूजुअली क्लोज बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन द मेल चाइल्ड इज अंडर द फोटोथेरापी वी हैव टू कवर कौन करता है होल बॉडी हैंड्स एंड लेग्स ना जेनिटल एरियाज। तो यहाँ कौन है जो आपन को आंसर होल बॉडी की व्हेन द मेल चाइल्ड इज अंडर द फोटोथेरापी को पार्ट को आप कवर करते हैं ना ऑप्शन नंबर डी जेनिटल एरियाज जो अच्छे कवर कर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज डेली रिक्वायरमेंट चाइल्ड को विटामिन ए केते परिमाण रहे थे 300 mgs 750 माइक्रो और ग्राम्स ना 1850 माइक्रोग्राम्स 900 माइक्रोग्राम्स। तो आपण माने कोन आंसर हे जो एटा 300 माइक्रोग्राम्स जो आपण को अछि एमजीएस सेटा आपण को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आ चाइल्ड को रिक्वायर्ड हेते आ विटामिन ए अभाव आपण को रोग हेते आपण को नाइट वायलेंस हेते आ साइंटिफिक नेम हो जे आपण को जेटा क्लिनिकल वा साइंटिफिक नेम हो जे आपण रेटिनॉल जोटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। When the assessing a client at 12 weeks of the gestation, the nurse recommends that she and her husband consider the attending the childbirth preparation classes, and when is the best time for the couple to attend these classes? जेतो बड़े आपन मानो 12 weeks already आपन gestation period है जी ची गोटे मानो patient रो आउ she her and तांगो husband आउ तांगो सहित attending करे को childbirth preparation classes कि नर्स तांको एडवाइज रेकमेंडेड करूची एडवाइज दउची। व्हेन इज द बेस्ट टाइम फॉर द कपल टू अटेंड दिस क्लासेस को टाइम टा तांको पई बेस्ट टाइम रहउची एट आपन को 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ना एट आपन को 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ना एट 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ना एट 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन रहउची। तो करेक्ट आंसर आपन माने कोन हे जो कोटा आपन माने को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोटा आपन को रहि जीवो एट 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन रो पीरियड को आपण को अटेंड क्लासेस करबा दरकार तांपे। ई भली आपण प्रैक्टिकल क्वेश्चन मध्य आपण मानको देखियो को मिलिबो एग्जाम मानकरे। तो आकु भी आपण मान ठीक देखि जाइतबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस द फॉलोइंग इज नेसेसरी विटामिन डी प्रोटीन विटामिन सी ऑल ऑफ द अबव। तो एटा आपण एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉलोइंग इज नेसेसरी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव चिल्ड्रेन माना नेसेसरी विटामिन डी प्रोटीन विटामिन सी आर नेसेसरी दरकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्लिनिकल नेम ऑफ विटामिन ए जमी आप साइंटिफिक नेम सहित क्लिनिकल नेम ये आप कौन ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल। विटामिन ई रमती आप साइंटिफिकल नेम जो टोकोफेरॉल आ विटामिन बी राइबोफ्लाविन ये आप साइंटिफिक नेम उपर आपन देखिथे सबू विटामिन जो आप ए बी जहाँ भी अच्छी सी साइको जो आप साइंटिफिक नेम ताको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। रिचेस्ट सोर ऑफ विटामिन सी आमला पपाया ग्रीन लीफ वेजिटेबल नन ऑफ द एबव। रिचेस्ट सोर्स होची मुख्य स्रोत आपनकर सबुठो सॉरी चेस्ट आपन ऑप्शन नंबर ए आमला है जो कौन विटामिन सी आ विटामिन सी अभाव आपन को रोग होता है स्कर्वी आपन जो डिजीज होता है विटामिन सी अभाव होता है। रिचेस्ट रही आमला। क्वेश्चन नंबर 8 विनिंग फूड मीन्स सप्लीमेंट ऑफ फूड एलोंग विथ ब्रेस्ट मिल्क ओनली ब्रेस्ट फीडिंग आर्टिफिशियल फीडिंग काउज मिल्क। तो विनिंग फूड मीन्स हूँ सप्लीमेंट ऑफ फूड एलोंग विथ ब्रेस्ट मिल्क। सप्लीमेंट ऑफ फूड एलोंग विथ ब्रेस्ट मिल्क हूँ यहाँ विनिंग फूड मीन्स हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 हेपारिन इज एन हेपारिन टा कौन आप एंटीबायोटिक कोगुलांट सेटालिन एंटीकोगुलांट। तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी एंटीकोगुलांट एटा को आपण माने नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 तो टोटल लंग कैपेसिटी इज न्यूब्रॉन इज डैश। टोटल लंग कैपेसिटी न्यूब्रॉन कौन था 150 ml। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। एटी गोटे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लाइंट 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज शेड्यूल्ड फॉर ए रूटीन अल्ट्रासाउंड पीरियड टू एंड द एमिनो साइंटिस्ट एंड आफ्टर द टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द प्रपोज फॉर द अल्ट्रासाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट वुड इंडिकेट टू द नर्स चार्ज दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर इंस्ट्रक्शन। कौन आप नर्स इंस्ट्रक्शन देला द अल्ट्रासाउंड विल हेल्प टू लोकेट द प्लासेंटा द अल्ट्रासाउंड आइडेंटिफाई ब्लड फ्लो थ्रू द उम्बिलिकल कॉर्ड the stage will be determined where to insert needle the ultrasound locate the pool of amniotic fluid। तार करेक्ट आंसर आपण मन कोन हे जिवो एटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपण मन को एटा करेक्ट आंसर हे जिवो बी जोटा अल्ट्रासाउंड आइडेंटिफाई ब्लड फ्लो थ्रू द umbilical cord जोटा आज ऑप्शन नंबर बी आपण को एटा करेक्ट आंसर। एटा भी आपण को प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन रहउची त आपण मन पे इंपोर्टेंट रहइबो ताकू भी मते आपण माने नोट रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्रिप्टोसेडिज्म मीन्स डैश एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस इन्फ्लेशन ऑफ टेस्टिस स्मॉल टेस्टिस अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो क्रिप्टोसेडिज्म जो अच्छी तार माने कौन ऑप्शन नंबर डी जो अनडिसेंडेड टेस्टिस जोटा आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ प्लासेंटला एडहेरेंस सीन इन द प्रेग्नेंट वुमेन एक्रिटा एंड प्लासेंटा प्रिविया परक्रिटा ना इनक्रिटा। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आपण हे जिवो करेक्ट आंसर एक्रिटा। क्वेश्चन नंबर 14 ए क्लाइंट व्हिच टाइप ऑफ वन डायबिटीज मेलिटस व्हिच मल्टीग्रेविटा। मल्टीग्रेविटा माने आपण मन कौन जो 2 रु मोर दैन आपण जो चिल्ड्रेन जार मल्टीग्रेविटा कह जाए। द क्लाइंट विथ द टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस अच्छी और मल्टीग्रेविटा भिजिट द क्लिनिक एट 27 वीक्स गेस्टेशन द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट फॉर द मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन विथ द टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। तो कौन आपण नर्स इंस्ट्रक्ट देछि तांको द वीकली फिटल मोमेंट ऑफ द काउंट्स आर द मेड बाय द मदर कंस्ट्रक्शन स्ट्रेसेस टेस्टिंग इज परफॉर्म वीकली ना इंडक्शन ऑफ द लेबर इज बिगन एट 34 वीक्स गेस्टेशन ना नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म वीकली अंटिल द 32 वीक्स गेस्टेशन। तो करेक्ट आंसर आपन कोन ऑप्शन नंबर डी जोटा आप नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड वीकली अंटिल द 30 वीक्स गेस्टेशन गेस्टेशन 30 वीक्स गेस्टेशन पर्यटन आप नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग टाकू करवा दरकार। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट आंसर रही। प्रैक्टिकल क्वेश्चन टी रोटे गोटे आप एग्जाम रे तो आपको भी आप प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच चेंज वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंज इन द पोस्टमार्टम पीरियड। कौ चेंजटा आप लैक्टेशन लोचिया ना यूट्रेनी इवोल्यूशन ना ड्यूरेसिस। तो करेक्ट आंसर आपन ऑप्शन नंबर ए आपन ए हो करेक्ट आंसर जोटा कि आपन को लैक्टेशन जोटा आपन को हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखिबा Question number 16. Passive immunity that can be administered administration to the patient suffering for the whooping cough. Patient जो तो आपना को suffer the whooping cough शेटा आपना को passive immunity कौन दिए थे आपना patient को? Gamma globulin, beta globin, ना alpha globin, ना none of these. तो correct answer आपना option number B beta globulin जो तो आपना correct answer रहिजिबो. Question number 17. Monatrox test is done to the diagnose lung cancer, infection, tuberculosis. नॉन ऑफ दिस तो मोनाट्रक्स टेस्ट आपनकर केते वीक रे सेटा आपन कहिथे मोनाट्रक्स टेस्ट एटा आपनको कहिथली मो रिसेंटली मोनाट्रक्स टेस्ट केते वीक रे आपन कहिथे मोनाट्रक्स टेस्ट बहुत करिए मोनाट्रक्स टेस्ट आपनकर होइथाय मोनाट्रक्स टेस्ट सेटा आपन को रिजल्ट रिजल्ट केतोला देखैते ना 48 टू 72 आवर्स पर मोनाट्रक्स टेस्ट रहैते किंतु एटा डिजीज पई केटा डायग्नोस पई कोठा हो ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस जोटा आपन को करेक्ट आंसर रहइबो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18. बैंक अनरेस्पॉन्सिव फेस में सीन इन द चिल्ड्रन इन मेंटल रिटार्डेशन लैडिसिस मारास्मस नन ऑफ दिस तो एटा कोन हे जो आपन बैंक अनरेस्पॉन्सिव फेस में सीन द चिल्ड्रन इन ऑप्शन नंबर ए मेंटल रिटार्डेशन जोटा करेक्ट आंसर आपन को रहइबो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19. ए लूस्टी क्राई इन द चिल्ड्रन में इंडिकेट पेन एब्डोमेन इंक्रीज इंट्राक्रanial टेंशन ना बाइट नन ऑफ दिस तो लूस्टी क्राई इन द चिल्ड्रन में इंडिकेट ऑप्शन सी है जो बाइट. क्वेश्चन नंबर 20. ए हाई पिच क्राई इन द चिल्ड्रन में इंडिकेट कौन है थे हाई पिच तो ऑप्शन नंबर बी है जो इंक्रीज इंट्राक्रanial टेंशन पे हाई पिच क्राई थे लूस्टी क्राई पे आपन को बाइट और हाई पिच क्राई पे आपन इंक्रीज इंट्राक्रanial टेंशन एटा भी आपन माने नोट करिवे लूस्टी हाई पिच पे. क्वेश्चन नंबर 21. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज the child shows and the old man appearance so, old man बड़े appearance करते हैं डिजीज चले मारास्मस टाइफाइड फेबर ना नॉन ऑफ देज अब करेक्ट आंसर अपना जो ऑप्शन नंबर ए मारास्मस डिजीज चले ओल्ड मैन को बड़े appearance करते सो चाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. Amniocentesis can be done at 13 weeks to 16 weeks of gestation, 14 weeks to 18 weeks gestation, 16 weeks to 18 weeks of gestation. Option D none of the above. The correct answer is 22 अपना ए जो 13 weeks to 16 weeks of gestation option number A आपन को करेक्ट आंसर रहइबो. क्वेश्चन नंबर 23. amniocentesis आपन को मीनिंग्स कोन आपन को सिंथेसिस ऑफ amniotic fluid डेवलपमेंट ऑफ amniotic fluid obtaining the amniotic fluid from a pregnant woman option D none of the above the correct answer is option number C obtaining the amniotic fluid from the pregnant woman option number C अपना को correct answer रहिबो. Question number 24. The infection ophthalmia neonatum is caused by goncosis viral syphilis none of these the correct answer is option number A goncosis जोड़ा अपना को infection ophthalmia neonatum is caused by. Question number 25 our video last question. The thrush in the mouth of neonate is caused by herpes simplex candida albicans hepatitis none of these so option number apna ko B hobo candida albicans jo apna ko correct answer he jo to eta thila apna manan ko OSSSC MPH फीमेल ANM पाई क्लास 4 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग टॉपिक रु वीडियो भल लगी लाइक और शेयर करते हम चैनल प्रथम थर पाई चैनल को सब्सक्राइब करूँ और ये कंटेंट बेल आइकन को क्लिक करूँ जैसे समस्त नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार। धन्यवाद। थैंक यू। आर जो PDF अच्छी आपको टेलीग्राम चैनल सहित आपको व्हाट्सएप ग्रुप रे आपको मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अच्छी सेटु जॉइन करि पारिबे। धन्यवाद। थैंक यू।